मेरी बड़ी दादी या लाल मिर्चों का अचार बनाया करती थी। लगता है आज मेरी मिर्ची का नंबर आया। बना दूँ अचार। इतना चीप है। After a long time, Sky is King Priyanka Chopra की comeback film है और इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसकी जानकारी प्रियंका चोपड़ा ने खुद ट्विटर पर दी है। फिल्म एक लव स्टोरी है जिसमें प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर लीड रोल में हैं। दंगल गर्ल यानी कि जायरा वसीम भी फिल्म में दिखाई देगी। आपको बता दूं कि प्रियंका ने पहले ही इसके बारे में जानकारी दी थी कि फिल्म का ट्रेलर 10 सितंबर को जारी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ट्विटर का लिंक भी फैंस के साथ शेयर किया है। ट्रेलर की जानकारी देते हुए प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है कि मेरे लिए यह बहुत गर्व का पल है क्योंकि यह एक्टर और को प्रोड्यूसर के रूप में मेरा पहला अवसर है। ट्रेलर को देखने से पता चल रहा है कि फिल्म में लव ट्विस्ट रोमांस दिखाई देगा। मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, तेरे अलावा मुझे किसे इम्प्रेस करना। फिल्म के ट्रेलर में प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग के बात करें तो वह अपने रोल के साथ जस्टिस करती हुई नजर आ रही है। फरहान अख्तर और प्रियंका की बॉन्डिंग भी अच्छी दिखाई दे रही है। फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करें तो द स्काई इज किंग फिल्म लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर आयशा चौधरी की जिंदगी पर आधारित है। आयशा को पल्मोनरी फाइब्रोसिस नाम की फेफड़ों की बीमारी थी। फिल्म की डायरेक्टर शोनाली बोस है। प्रियंका ने फिल्म के पोस्टर के साथ कैप्शन दिया है, आपको बता दूं कि इस फिल्म का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 13 सितंबर को वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है।